आज जिस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब चीज़ है, क्योंकि आज जिस सेक्टर में हम लोग जुड़े हुए हैं वो सेक्टर को करने के लिए वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो मेरा नाम कमल कुमार पंडित, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड में। आज जिस सेशन को लेकर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको एक चीज़ तो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को करने के लिए क्या पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, और वो पहला स्टेप क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, पहला स्टेप यही है कि हम लोग किसी के साथ जो मिलते हैं ना, वो कैसे मिलें और किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ, अपनी कंपनी के बारे में हो, चाहे अपने प्लान के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे हम स्टार्ट स्टार्ट जो फास्ट वर्ड होता है ना, वो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को मतलब कठिनाई से गुजरना पड़ता है। तो शुरू कहाँ से करें, तो उसके साथ जो बातचीत करेंगे हम लोग वो शुरू कैसे करें, आज वही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक शायद किसी ने ये वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक कस्टमर के सामने, एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बनाने जा रहे हैं, एज उसके साथ बात करके, उसको मोटिवेट करके हम कैसे बिजनेस में लाएँ, आज वही हम लोग सीखेंगे। पूरा वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें, और जो नए आए हुए हैं चैनल को विजिट कर रहे हैं वो अपना जो डायमंड चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले सर, जब हम लोग प्लान दिखाने के लिए किसी के सामने बैठते हैं और स्टार्ट कैसे करें, है ना, उसके सामने क्या स्टार्ट करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए तुरंत बैठाएं लोगों को सामने, अपना फेस टू फेस बैठाएं और प्लान दनादन दनादन स्टार्ट कर दिए। प्लान दनादन जब स्टार्ट हम लोग कर देते हैं ना, तब तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उनका दिमाग में एक ही चीज़ चलता है। मान लीजिए कोई सेटअप, कोई भी चीज़ का सेटअप होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, हर चीज़ का समय भी होता है और उस चीज़ का सेटअप भी होता है। बिना सेटअप भी यदि कोई चीज़ आप लोग करने जा रहे हैं तो गलत ही होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सटीक जगह पर आए हैं और सटीक चीज़ भी आप लोग सीखने जा रहे हैं। और वो चीज़ क्या है, जैसे हम किसी के सामने आते हैं, बैठते हैं, जैसे फलाना आदमी हमारे सामने बैठा बैठा, उससे हालचाल हम लोग पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे। हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं पहले ही, लेकिन नहीं, पहले स्टार्ट नहीं होना है, पहले उससे ही हमें जानना है कि वो क्या करते हैं, कैसे घर से विलंब करते हैं, किस तरह से काम कर चुके हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बताने में उसको आसानी होगा। मान लीजिए कोई एक एजुकेटेड लड़का बैठा हुआ, बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी कर चुका है, और उसके सामने आप धड़ल्ले से प्लान दिखा दिए और उसको समझ में कुछ नहीं आया, वो प्लान नहीं मतलब काम नहीं करेगा आपके साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका अंदर में क्या है वो लेना है। उसके लेने के लिए एक टेक्निक है मेरे पास, वो टेक्निक क्या है, आपको उसका बड़ाई करना है। बढ़ाई करना क्या है, जैसे आपके साथ कोई बंदा आता है, बैठता है, उसके हाथ में यदि घड़ी है तो घड़ी का तारीफ कीजिए। देखिए आज के डेट में लोगों को तारीफ बहुत पसंद है ना। यदि कमीज अच्छा पहना है तो कमीज का तारीफ कीजिए, पेन अच्छा है तो पेन का तारीफ कीजिए। अब उसको यदि आप बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, उसको यदि बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो पहले उसका तारीफ से स्वागत कीजिए। अब जैसे उसका एक मान लीजिए कलम ही है, उसका कलम, बार बहुत अच्छा कलम है आपके पास, बहुत अच्छा पेन है, कहाँ से खरीदे हैं, अपने बताएगा, वो खुश हो जाएगा, और इस साले इतना अच्छा तारीफ किया, वो घड़ी पहना हुआ है, ये घड़ी आप कहाँ से लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके हाथ में जच रहा है घड़ी, तो घड़ी का तारीफ कीजिए। यदि शर्ट पहना है, अरे ये शर्ट आप बहुत ही अच्छा कलर का चॉइस करते हैं, आप तो कलर का मास्टर है रे भाई, आप तो बहुत अच्छा कलर का चॉइस करना है, आपको तो नॉलेज बहुत अच्छा है। ये देखिए हम लोग चॉइस ही नहीं कर पाते हैं, अपने ऊपर क्या जचेगा हम लोग को पता नहीं है। सट के बारे में बताइए, कुछ भी टॉपिक के बारे में बात कीजिए, पहले उसको अपने अंदर झांकिए कि उसका अंदर ये क्या है, क्या क्या उनमें क्वालिटी है। और क्वालिटी लेने के लिए आपको पहले उनका क्वालिटी को जांचना पड़ेगा, जैसे उनका क्वालिटी को जांचे ना, आप पे वो फिदा होने स्टार्ट हो गया। फिर उससे आप पूछिए, सर ऐसे में आप क्या क्या करते थे पहले, आज क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। वो देखिए कुछ भी चीज़ करेंगे ना, किसी जब तारीफ़ कीजिएगा, तारीफ़ करने से वो अपनापन आ जाता है, अपनापन आने के बाद वो धीरे 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 खोलने लगता है। जब तक वो उसका अंदर जो भी है जब तक निकलेगा नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, देने का कोशिश मत कीजिएगा, उससे लेने के पहले कोशिश कीजिए। आप सुनने का हैबिट डालिए, जब तक आप सुनने का हैबिट नहीं डालिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप उसको सुना नहीं पाइएगा। और सुना भी दीजिएगा तो वो बाउंस चला जाएगा, उसका कोई काम का नहीं आएगा। पहले उसके अंदर जो भी है कोई कंपनी का एक्सपीरियंस है उसके पास, वो भी लीजिए। आप उसको लीजिए चाहे ना लीजिए, वो आपकी बात है, लेकिन वो सुनिए, वो क्या क्या बोलना चाहता है, वो बंदा आपको क्या क्या दुख सुनाना चाहता है, क्या क्या आपको सुख सुनाना चाहता है, सब सुनिए, उसका दुख भी सुनिए, सुख भी सुनिए, और उसका ड्रीम क्या है वो भी सुनिए, उसका पैसा का भूखा है ना,
सम्मान का भूखा है न और कोई चीज़ का भूखा है, वो सब कहाँ से आएगा? जब उसका पूरा अंदर से निचोड़ आपके आपके ऊपर डालेगा तब आएगा। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, सारा कुछ दे दिया, फिर उसको बताइए मैं फलना कंपनी से आया हुआ हूँ, मैं फलना बिजनेस आज इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, और ये आपको मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने मुझे बैठने का अवसर मिला, और आप इतने अच्छे बोलते हैं कि मुझे आपका मतलब सब कुछ अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छा लगा, बोलते इतना अच्छा है, तो आपको मुझे एक प्लान है मेरे पास, वो प्लान शायद आपके सामने मैं पेश करूँ तो शायद ये प्लान आपको अच्छा लगे, तो आप देख सकते हैं। तो वो बंदा ऐसे नहीं बोलेगा, हम लोग ऑप्शन डालना पड़ेगा, शायद आप देखिएगा तो शायद आप सोचिएगा कि आने वाला फ्यूचर में आपके साथ ये प्लान जचेगा, मतलब फिट बैठेगा। तो फिट जब बैठेगा बोलिएगा ना, तो वो क्या होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं डालेगा, वो आधा घंटा समय आपको देगा ही देगा, 30 मिनट देगा ही देगा, 20 मिनट देगा ही देगा, और कम से कम समय मांगिए उससे, कम से कम समय मांगिए, ज़्यादा मैक्सिमम समय मत मांगिए उससे, बोलिए सर आपका हम 10 मिनट लेना चाहते हैं, आप यदि 10 मिनट मेरे से आप शेयर कीजिएगा, वो 10 मिनट हो सकता है आने वाला समय वो बहुत बड़ा है। हम लोग यदि उस चीज़ को यदि गौर से उनको बताएं, और बताने के बाद वही चीज़ हम लोग यदि समझाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के बाद धीरे 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 एक एक विषय पर, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लान के साथ साथ उनका जो मतलब चाहता है, मतलब उसको क्या चाहते हैं, हम तो समझ लिए वो क्या चाहते हैं, 10 मिनट उससे बातचीत जब किए ना, तो उसको क्या ख्वाहिश है, क्या सपना है, सब हम लोग नोटिस कर लिए। एक एज ए लीडर उसी को कहलाता है जो नोटिस को कर लेता है, वो बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है, जब तक वो जानेगा नहीं ना तब तक कर नहीं पाएगा, उसे करवा नहीं पाएगा। तो वो जानना क्वालिटी वो लीडर के अंदर होता है माय डियर फ्रेंड्स। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अपलाइन यदि साथ में गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पहले अपलाइन को इस तरह से प्रेजेंट करना है माय डियर फ्रेंड्स कि अपलाइन उनके लिए भगवान है, उनके लिए भगवान है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, नया की बात नहीं कर रहा हूँ, नया को ऐसा दिखाना है कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का भगवान है, उस तरह से प्रेजेंट करना है। पहले खुद अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं ये था, ये किया, ये अपलाइन के वजह से मैं ऐसा हुआ, ये अपलाइन के वजह से मैं ये सीखा, ये अपलाइन हमको पढ़ना चलना सब कुछ सिखा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा बात करना है। प्लान बताना नहीं है, आपको प्लान नहीं बताना है, आपको अपलाइन का अच्छाई बताना है। और अच्छाई बताने के बाद क्या होता है, इसमें एक माइंड आता है कि अपलाइन जब सब चीज़ से अच्छा बता दिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन का अच्छा ही किया ना, तो वो बंदा जो अगला देख रहा है ना, वो हमेशा अपलाइन का बात को सुनेगा। फिर जैसे आप अपलाइन को हैंडओवर किए प्लान कि सर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी कीमती समय मैंने लिया और सर को देने का, आप कोशिश कीजिए कि सर कुछ ले, और उसके बाद आप अपना स्टॉप, अपना मोबाइल को साइलेंट कर ले और उस जगह से ना हिले, उस जगह से ना हिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस जगह को उससे हिल जाते हैं। मान लीजिए सीनियर प्लान दिखाने लगा और जो लाया था बंदा, वो बंदा फ़ोन में लग गया, अपना फ़ोन में लग गया, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हो, चाहे कोई घर से फ़ोन आया हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर हम लोग एक डिसिप्लिन में रहना है कि जब तक ऑफलाइन प्लान दिखा रहा बंदा को, तब तक वो अपना फ़ोन को छेड़खानी करें ना और कुछ करें, एकदम कंटिन्यू। जैसे नया डिस्ट्रीब्यूटर प्लान देख रहा है, उस तरह पुराना डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ साथ प्लान को देखें, और एकदम कुछ ना बोल के बोलने, सारा बोलना जो काम है वो अपलाइन का काम है, सारा समझा देगा माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन का इतना पावर होता है कि सारा कुछ वो समझा सकता है। हम लोग डिस्टर्ब ही करते हैं, खुद बोलने जाते हैं, खुद अपना एक्सपीरियंस को दिखाना चाहते हैं। जब एक्सपीरियंस दिखाना ही चाहे तो अपलाइन का क्या रोल है वहाँ, तो खुद का ही दिखा के उसको ज्वाइन करवा लेते, लेकिन वो तो होता नहीं, फिर अपलाइन सपोर्ट चाहिए। और उस टाइम भी हम लोग गलती करते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस में हम लोग आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क का वर्ड होता है सर, नेट का मतलब होता है जाल, नेट का मतलब जाल होता है, डब्लू का मतलब वर्क का मतलब होता है वर्क, और किंग का मतलब होता है राजा। आप इसमें नेट बनाइए, वर्क कीजिए और राजा बनिए, तो ये तीन पार्ट में नेटवर्किंग चलता है। तो राजा बनने के लिए तो आपको हर चीज़ पर नेट बनाने के लिए तो आपको उस तरह से ही चलना होगा, तब जाके आप नेटवर्किंग बन सकते हैं। तो आने वाला वीडियो में फिर से लाऊंगा एक बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा यदि लगा होगा तो एक लाइक कीजिए, और आने वाला वीडियो मैं फिर से लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।